भारत के टॉप 100 बिलियनर की वेल्थ को यदि हम कंबाइन करें ना तो वो बनती है 54.12 लाख करोड़। ये अमाउंट कुछ इतनी है कि हम आराम से 18 महीने का यूनियन बजट चला सकते हैं। पर जब टैक्सेस पे करने की बारी आती है तो भारत में 64% जीएसटी की कलेक्शन मिडिल क्लास से होती है, जो कि 6 गुना ज्यादा अमाउंट है टॉप 10% के लोगों से। ऐसा क्यों? ऊपर से हम सब लोगों से जो एग्जेम्पशंस और इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स दिए जाते थे वो भी हटा लिए गए। क्या इन चीजों को देखते हुए सरकार टैक्सेस के मामले में हम सब लोगों से फेयर है या नहीं, जानते हैं आज इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। भारत की 60% वेल्थ के मालिक ना सिर्फ 5% लोग ही हैं, वहीं पर हम सब मिडिल क्लास और लो क्लास वाले लोग सिर्फ 3% वेल्थ के मालिक होते हैं। फिर उस हिसाब से तो सबसे ज्यादा टैक्स इन 5% लोगों को देना चाहिए, बट होता इसका बिल्कुल उल्टा ही है। हम सब एवरेज सैलरी कमाने वाले लोगों को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है नॉन सैलरी वालों से। बट ऐसा क्यों? और सबसे बड़ी बात, इन 5% में आता कौन है? इन 5% में आते हैं सेलिब्रिटीज एंड बिजनेसमैन, जो कि अलग अलग टैक्स लूप होल का इस्तेमाल करके ना कम टैक्सेस पे करते हैं और सारा बर्डन हम पर आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टैक्स लूप होल क्या होता है। टैक्स लूप होल का मतलब लीगल तरीके से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना। यदि आपको याद हो, काफी सालों पहले एक मूवी आई थी शिवाजी द बॉस, जिसमें उन्होंने काफी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया कि वो कैसे मिनिस्टर्स की ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे थे। वैसे तो बिजनेसमैन एंड सेलिब्रिटीज के काफी अलग अलग तरीके होते हैं ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहले हम बिजनेसमैन से शुरू करते हैं। पहला है एग्रीकल्चर इनकम। इसमें ना एग्रीकल्चर लैंड से जो इनकम बनती है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं पे करना होता, जो कि हमारे देश के किसानों के लिए तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि उनकी इनकम ऑलरेडी काफी कम होती है। मैं यहाँ पर किसानों की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ उन पॉलिटिकल मेंबर्स, उन बिजनेसमैन, उन सेलिब्रिटीज की, जो कि इस रूल का फायदा अपने फायदे के लिए करते हैं। जैसे कि 2007 से लेकर ना 2016 तक इन स्टेट से इतने लोग हैं जिन्होंने ना अपनी इनकम को एग्रीकल्चर इनकम दिखाकर ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीस लिए, जिनके ऊपर उनको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ा। उनमें से आते हैं 2746 एंटिटीज और बाकी जो बचते हैं वो इंडिविजुअल्स हैं। आपको पता है, इंटरेस्टिंगली इसमें एक बीजेपी पार्टी लीडर और हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर तक भी शामिल है। दूसरा है ऑफशोर कंपनीज। इसमें ना बिजनेसमैन ऐसी कंट्रीज और ऐसे आइलैंड्स को देखते हैं जहां पर उनको ना कम से कम टैक्सेस पे करने पड़े, ताकि वो अपने प्रॉफिट्स को उतना ही डबल कर ले। जैसे कि नीदरलैंड, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, मॉरिशियस एंड सो ऑन। तीसरा है इन्वेस्टमेंट लॉसेस। ये एक ऐसा तरीका है जिसका इस्तेमाल करके ना बिजनेसमैन अपने टैक्सेस को कम से कम करते हैं, और उसका इस्तेमाल हम सब लोगों को भी करना चाहिए। फिर ध्यान से सुनो, ऐसा करते हैं, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि आपने किसी XYZ कंपनी के शेयर्स को खरीदा है जिससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। आप सोचते हो, चलो ऐसा करता हूँ, इस प्रॉफिट को बुक ही कर लेता हूँ, कंपनी के शेयर्स को बेच देता हूँ। अब आपको पता है नंबर 1 कि आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा हुआ है। नंबर 2, अब प्रॉफिट ज्यादा हुआ है इसका मतलब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% का देना होगा। अब यहीं पर एक हैक है, वो क्या? अब हमारे पोर्टफोलियो में कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनकी वजह से हमें अच्छा खासा लॉस हो रहा होता है। आपको क्या करना है, उन लॉस मेकिंग कंपनीज को ना सेल कर देना। जैसे ही आप सेल करोगे, फिर जब ITR फाइल करने की बारी आएगी ना, उसमें दिखाना कि आपको प्रॉफिट मान लो 1,50,000 का हुआ है और जो लॉस हुआ है वो है 2 लाख का। आप क्या कर सकते हो, अपने लॉस को प्रॉफिट से माइनस करो, कितना हुआ, 50,000। अब हमें पता है कि हमें 50,000 पर तो टैक्स देना होता ही नहीं, तो कितना टैक्स पे किया आपने, 0%। तो इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल बिजनेसमैन करते हैं। यदि आप इसको डिटेल में समझना चाहते हो ना, तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है पहले से, उस वीडियो का लिंक आपको आईटिप में मिल जाएगा, जरूर देख लेना। तो इसी तरीके का इस्तेमाल करके जेफ बेजोस, जिनकी वेल्थ हर साल $127 बिलियन से ग्रो कर रही है ना, वो पता कितना टैक्स पे करते हैं, 1.1%। अब आते हैं हम लास्ट चैरिटी डोनेशन पर। इसमें बिजनेसमैन दिल खोल के डोनेशन करते हैं। अब जो वो डोनेट कर रहे हैं उसका भी वो फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अंडर सेक्शन 80G हमें बोलता है कि जितनी भी हम डोनेशन कर रहे हैं वो भी इन इंस्टीट्यूट्स को, तो हम डोनेशन अमाउंट पर 50% से लेकर 100% तक की डिडक्शन ले सकते हैं। अब आती है बारी सेलिब्रिटीज का खाता खोलने की। चलो ऐसा करते हैं, सबसे पहले वेडिंग से शुरू करते हैं। वेडिंग एक ऐसा टॉपिक है सेलिब्रिटीज के सराउंडिंग में जिसको मीडिया से लेकर यूट्यूब तक हर एक पर्सन कवर करता है कि वो यहाँ जा रहे हैं, इतने करोड़ों के उन्होंने लहंगे पहने हैं, शेरवानी पहनी है, इतने बड़े मेंशन में वो शादी कर रहे हैं, इतने करोड़ों के उनको गिफ्ट्स मिले हैं एंड सो फोर्थ। बट एक चीज जो कोई भी कवर नहीं करता वो ये कि जितने भी करोड़ों के उनको गिफ्ट्स मिल रहे हैं ना, उसके ऊपर उनको रत्ती भर का 1 रुपए का भी कोई टैक्स पे नहीं करना।
जैसे KL राहुल एंड अथिया शेट्टी को 55 करोड़ के गिफ्ट्स मिले थे, जिसमें एक थी ऑडी की कार, एक थी BMW, जिसके ऊपर उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। अब इन केस यदि वो उसको बेच देते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए तो जरूर टैक्स पे करना होगा। फिर दूसरा है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। इसमें होता पता क्या है, सेलिब्रिटीज अलग अलग ब्रांड के साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं, उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। जब बारी आती है ITR फाइल करने की ना, उसपे दिखाते हैं कि हमने ब्रांड के साथ स्पॉन्सरशिप की सर्विस की, ना कि उनके प्रोडक्ट्स के साथ कोलैबोरेट किया, जिसकी वजह से जो उनको 18% की GST पे करनी थी अब पे करने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि सारा टैक्स का बर्डन उस कंपनी के ऊपर आता है जिनके साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया था। इसी रीजन की वजह से ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑलमोस्ट 3 सेलिब्रिटीज को अपने स्कैनर के अंडर रखा था। अभी उनके नाम तो रिवील नहीं किए गए हैं, यदि करते तो मैं आपको जरूर बताती। फिर तीसरा है कैश एंड गोल्ड। काफी सारे ना केसेस में ये पाया गया है कि सेलिब्रिटीज ना ब्रांड्स के साथ डील तो कर लेते हैं, बट जब पेमेंट लेने की बारी आती है तो उस समय पेमेंट कैश के फॉर्म में लेते हैं, फिर उस कैश से गोल्ड खरीद कर अपने पास रख लेते हैं। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑलमोस्ट 35 प्लेसेस पर रेड डाली थी और उनको काफी कुछ मिला। फिर लास्ट है लेस लोन। आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्या बोल दिया, इसका मतलब है वो ये कि आजकल ना ये काफी ज्यादा ट्रेंड में है, जिसमें बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, जब घर खरीदते हैं अपने नाम पर नहीं बल्कि अपनी कंपनी के नाम पर खरीदते हैं। इससे नंबर 1 उनको कम टैक्स पे करना पड़ता है, नंबर 2 जो उनको डिडक्शंस मिलती थी टैक्स के फॉर्म में वो ज्यादा लंबे समय तक मिलती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि अभी रिसेंटली आलिया भट्ट ने एक प्रॉपर्टी खरीदी है 35 करोड़ की, जो कि उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस के नाम से खरीदी है, जिसकी वजह से उनको 25% का टैक्स रिलीफ मिला और 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी खरीदी है। वहां पर जो भी फीमेल वायर्स होती हैं उनको 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है। तो सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन इन तरीकों का इस्तेमाल करके टैक्सेस से तो बच जाते हैं, बट इस रीजन की वजह से वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट ना भारत को कैटेगराइज करती है पुअर एंड अनइक्वल कंट्री, जहां पर 60% वेल्थ के मालिक सिर्फ ये 5% लोग हैं, वहीं पर हम सब मिडिल क्लास और लो इनकम वाले लोग जो हर रोज मेहनत करते हैं वो सिर्फ 3% वेल्थ के ही मालिक हैं। तो इसी से ना हमारी वीडियो का सेकेंड पार्ट शुरू होता है कि क्यों हमेशा टैक्स का बर्डन हम सब आम लोगों पर ही क्यों आता है, क्या सरकार टैक्सेस के मामले में हमारे साथ फेयर है या फिर नहीं। सबसे पहले ना हमें इन 2 सवालों के जवाब पता होने चाहिए, नंबर 1 सरकार किन किन तरीकों के थ्रू टैक्सेस को इकट्ठा करती है, नंबर 2 कितने लोग सच में भारत में टैक्स पे करते हैं। तो पहले सवाल का जवाब तो ये है कि सरकार 2 तरीकों से ना सबसे ज्यादा पैसे को इकट्ठा करती है, एक है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब कि आपने पूरे साल में कितने पैसे कमाए हैं, 2.5 लाख कमाए हैं, 4 लाख कमाए हैं, 6 लाख कमाए हैं, कितने पैसे इकट्ठे किए। अब मान लो कि आपकी इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम है तो कोई टैक्स नहीं है, मान लो 7,90,000 है तो अलग अलग स्लैब्स के हिसाब से ना आपको 35,360 रुपीस एज अ टैक्स पे करने होंगे। तो ये तो हो गया डायरेक्ट टैक्स, इसे हम प्रोग्रेसिव टैक्स भी बोल देते हैं। वहीं पर दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें सरकार को फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हो, आप कमाते हो भी या नहीं, इससे भी सरकार को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि GST हमें हर एक जगह पे करनी होती है। सो GST है इनडायरेक्ट टैक्स। हर एक अलग अलग प्रोडक्ट की अपनी अलग GST होती है, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स की 2% है, किसी की 15% है, किसी की 12% है, किसी की 28% है। तो इसलिए इन तरीकों से जो रेवेन्यू सरकार इकट्ठा करती है उसमें 53% का कंट्रीब्यूशन जो इस साल था वो था इनडायरेक्ट टैक्स से। इनडायरेक्ट टैक्स को ना हम रिग्रेसिव टैक्स भी बोल देते हैं। फिर 45% जो कंट्रीब्यूशन आया था वो आया था डायरेक्ट टैक्स से, और जो बाकी प्रोपोर्शन बच गया वो कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी से आता है। तो इससे तो हमें साफ क्लियर हो रहा है कि जो हमारी भारत की सरकार है वो सबसे ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब वो रिग्रेसिव टैक्स टेकर है ना कि डायरेक्ट टैक्स टेकर। तो इसका रीजन भी है क्योंकि हमारे भारत में ना ऑलमोस्ट 140 करोड़ लोगों की आबादी है, उसमें से सिर्फ 82.7 मिलियन लोग ही टैक्स पे करते हैं, जो कि होता है 6.25%। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे भारत में ऑलमोस्ट 40 से लेकर 41% लोग एग्रीकल्चर लैंड पर डिपेंड करते हैं। अब एग्रीकल्चर लैंड से जो इनकम बनती है उसके ऊपर तो कोई टैक्स ही नहीं है। अब बच गए 55 से लेकर 60% लोग। अब इन 55 से लेकर 60% लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी काम ही नहीं कर सकते, जो काम करते हैं उनकी पर कैपिटा इनकम 2.5 लाख से कम है। पर कैपिटा इनकम का मतलब हमारे नेशन में एक पर्सन की एवरेज इनकम कितनी है, वो 2.5 लाख से कम है, तो अब कोई टैक्स ही नहीं है।
तो बच गए 11% लोग। अब इन 11% में से भी 6.25% लोग ही टैक्स पे करते हैं, मतलब सारा बोझ हम सब मिडिल क्लास और थोड़ा बहुत टॉप 5% पर आ जाता है। तो इसलिए हम डबल टैक्सेस पे करते हैं, एक है GST की फॉर्म में, दूसरा है हम अपनी इनकम पर टैक्स पे कर रहे हैं। अब इन प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्या सलूशन हो सकते हैं, इसी से ना हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट शुरू होता है, क्या है सलूशन। तो पहला, सरकार को ना दोबारा से वेल्थ टैक्स लगाना चाहिए, जो कि सरकार ने 2016 में ना हटा दिया था। अब मान लो कि सरकार हमारे भारत के टॉप 10 मिलियनर्स के ऊपर या बिलियनर्स के ऊपर सिर्फ 2% का ही टैक्स लगाती है, तो उससे ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ रुपीज इकट्ठे किए जा सकते हैं, जिसका इस्तेमाल एजुकेशन, पॉवर्टी, हंगरी, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया जा सकता है। दूसरा, GST जो है वो एसेंशियल कमोडिटीज, मतलब जो डेली हमारी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, उन पर कम करनी चाहिए, और जो लग्जरी आइटम्स हो गया जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, TV, इन पर इंक्रीज करनी चाहिए। तीसरा, जो एग्रीकल्चर टैक्स का लूप होल है, जिसका इस्तेमाल किसानों के बजाय दूसरे लोग ज़्यादा करते हैं, उसको कम करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि और कौन कौन से सोल्यूशंस हैं, मुझे कमेंट्स में बताना। तो आज इस वीडियो में इतना ही, सोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।